आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 40,085 पहुंच गया है, वहीं 478 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव। देहरादून से बड़ी खबर है। जी हां, बता दें कि 23 सितंबर से मॉनसून सत्र का आगाज होने वाला है, लेकिन इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल कोरोना के शिकार हो गए हैं। हालांकि सत्र एक दिवसीय है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है और संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेट होने की अपील की है। आपको बता दें कि बीते दिन ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा भवन का निरीक्षण किया था और तैयारियों का जायजा लिया था। वहीं अब उनके कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि आज विधानमंडल दल की बैठक होनी थी जिसमें उनको शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ये खबर आई है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आज मैंने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास पर कोविड-19 एंटीजन का टेस्ट करवाया जिसमें मैं पॉजिटिव पाया गया हूं। मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वह कृपया स्वयं आइसोलेट हो जाएं, कृपया सावधानी बरतें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी सुरक्षित रखें। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम रवाना, आई थी कोरोना पॉजिटिव। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम रवाना किया गया है, जहां उनका इलाज मेदांता अस्पताल में किया जाएगा। बता दें कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष बेटे सुमित के साथ एयरलिफ्ट से दून पहुंची थी और मैक्स हॉस्पिटल गई थी, लेकिन अलग कमरा न मिलने के कारण वो नाराज होकर सिनर्जी में भर्ती हुई थी, लेकिन अब वो बेहतर इलाज के लिए सिनर्जी अस्पताल से रिलीव होकर सरसिद्धारा हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से गुरुग्राम रवाना हो गई, जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेदांता में उनका इलाज किया जाएगा। बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार द्वारा ही नेता प्रतिपक्ष को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कराया गया है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सरकार को आड़े हाथ लिया है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अब राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है, इससे पता चलता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो फिर राज्य में आम जनता का क्या हो रहा होगा। पिथौरागढ़ में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में थल तहसील के पुराना थल क्षेत्र के माछी खेत गांव में एक युवक ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या रूपी मृतक के बड़े भाई की लाइसेंस से बंदूक चुरा कर लाया था। हत्या की वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद युवक एक मंदिर के शौचालय में छिप गया। बेड़ीनाग पुलिस और राजस्व पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। केदारनाथ आपदा में लापता लोगों की खोज को चले सर्च अभियान में मिले 4 नर कंकाल। केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों के कंकालों की खोजबीन के लिए चल रहे सर्च अभियान के 5वें दिन रविवार सुबह टीम को 4 नर कंकाल मिले हैं। ये नर कंकाल रामबाड़ा के ऊपरी तरफ खोजबीन के दौरान पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नर कंकालों का डीएनए सैंपल लेने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बता दें कि बीते 16 सितंबर को 4 दिवसीय सर्च अभियान शुरू किया गया था। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह मुल्लर के नेतृत्व में 10 टीमों को केदारनाथ से जुड़े अलग अलग ट्रैकिंग रूटों पर भेजा गया था। 4 दिन तक टीम को एक भी नर कंकाल नहीं मिला था, इसलिए 9 टीमें बीते शनिवार को वापस आ गई थी, जबकि एक टीम का अभियान रविवार तक बढ़ा दिया गया था। आज सुबह इस टीम को 4 नर कंकाल मिले हैं। सेना के जवान ने 6 घंटे तक किया शीर्षासन, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। भारतीय सेना में कार्यरत जय कुमार पवार ने 6 घंटे 6 मिनट 36 सेकंड तक शीर्षासन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। कोरोना का खौफ, महिला में कोरोना की पुष्टि होने पर पति का मानसिक संतुलन बिगड़ा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में उस वक्त कोरोना का खौफ देखने को मिला जब मुनि की रेती क्षेत्र में 14 बीघा निवासी एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसकी खबर महिला के पति को मिली। पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही पति ने मानसिक संतुलन खो दिया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। एक दिवसीय उपवास पर बैठे राज्य आंदोलनकारी बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर जताई नाराजगी। राज्य आंदोलनकारी व कांग्रेसी नेता मोहन पाठक आज बुद्ध पार्क में राज्य में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण एक दिवसीय उपवास पर बैठे। उन्होंने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में गरीब मरीज जाना नहीं चाहता। वहीं देहरादून में बीमा के नाम पर महिला से लाखों की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पति की मृत्यु बाद बीमे की रकम दिलाने के नाम पर अज्ञात लोगों ने एक महिला के साथ लाखों के रुपए की ठगी की, जिसके बाद महिला ने कोतवाली में तहरीर दी। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं रुड़की में हवालात से फरार आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी डंडेरा रेलवे स्टेशन के पास बैठा है। टीम ने फौरन दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने बीते 15 सितंबर को कस्टडी से फरार होने वाले आरोपी को ढंडेरा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सजा के डर से कोतवाली से फरार हुआ था। वहीं ऋषिकेश में गीले कचरे से बनेगी खाद, नगर निगम ने शुरू की पहल। नगर निगम अब गीले और सूखे कचरे को ठिकाने लगाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। अब नगर निगम घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सूखे और गीले कचरे को अलग अलग एकत्रित करेगा, जिसके बाद गीले कचरे को खाद में बदल कर प्रयोग में लाया जाएगा। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन। डोईवाला में मुख्यमंत्री ने किया एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का उद्घाटन। इस सेंटर का निर्माण किसानों को एक स्थान पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। किसान अध्यादेश को लेकर हमलावर कांग्रेस, ज्योत सिंह बिष्ट बोले किसान विरोधी है सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने किसान अध्यादेश को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जन विरोधी अध्यादेशों को पास करवाकर किसानों के हितों को चोट पहुंचा रही है। हरिद्वार ब्रेकिंग, विषैला पदार्थ लेकर कोतवाली पहुंचा युवक, पुलिस के फूले हाथ पांव। लक्सर कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति के हाथ में विषैला पदार्थ लेकर कोतवाली आ पहुंचा और आत्महत्या करने की कोशिश की। व्यक्ति की ये हरकत देख पुलिस के हाथ पांव फूलने लग गए और हड़कंप मच गया। पुलिस ने किसी तरह उसको रोका और दूसरे पक्ष को कोतवाली में बुलाया। पीड़ित ने बताया कि उसकी शिकायत उसने पुलिस से की और कई बार उसने पुलिस कोतवाली के चक्कर काटे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। यहाँ अंडे लूटने वालों की लगी भीड़, पुलिस के छूटे पसीने। उधम सिंह नगर में अंडों से लदे पिकअप वाहन का स्टेट हाईवे पर पलटना पुलिस का जी का जंजाल बन गया, क्योंकि अंडों को लूटने वालों का तांता लग गया और सड़क पर पड़े अंडों को लूटने लगे। ये देखकर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया और घंटों मशक्कत के बाद अंडों के मलबे को हटाकर जाम खुलवाया। इस हुए हादसे में 2 लोग चोटिल हुए हैं और 3 लाख के अंडों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं काशीपुर में व्यापार मंडल के निर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचित पदाधिकारियों ने शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान व्यापार मंडल के निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। चमोली में मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे लगासू में बाधित, दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगासू के पास मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के बीच लगासू में पहाड़ी से बोल्डर और मलबा गिरने से बाधित हो गया है। हाईवे बाधित होने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी हुई है। हाईवे पर आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग वाहनों के अंदर बैठकर हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आसपास कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण जाम में 108 एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ अनुराग रमोला का नाम, ये है वजह। राजधानी देहरादून के 10वीं के छात्र अनुराग रमोला ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। अनुराग ने सिर्फ 10 घंटे 25 मिनट में 145 सिक्कों पर पेंटिंग बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उत्तरकाशी में देवस्थानम बोर्ड की हुई बैठक, गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने की शिरकत। आज जिला प्रशासन देवस्थानम बोर्ड गंगोत्री धाम मंदिर समिति के पदाधिकारियों और पुरोहित समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गंगोत्री विधायक गोपाल रावत ने भी हिस्सा लिया।